रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की कुछ हिस्ट्री, उसकी कुछ बेसिक्स, कुछ मॉड्यूल्स और रिक्वायरमेंट्स, विजुअल इनपुट आउटपुट, इन चीज़ों पे हम बात करते रहे हैं। अब हम डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। सो टूडेज लेक्चर इज अबाउट इंटरेक्शन डिज़ाइन। करते हैं व्हाट इज डिज़ाइन एंड इंटरेक्शन डिज़ाइन इन HCI। डिज़ाइन मीन प्लान, स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हाउ योर मॉडल लुक्स लाइक इन फ्यूचर, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है? डिफाइंड एज यूजर ओरिएंटेड फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी। सिंपली इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। इंटरेक्शन डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन इंटरेक्टिव सिस्टम एंड इट्स सर्विसेज। तो यहाँ डिज़ाइनर का फोकस क्या होगा? हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद सिस्टम, व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड सपोर्टेड इन्वायरमेंट फॉर सिस्टम डिज़ाइन। अब अगर यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल कोड करूँ तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ इंटरेक्टिवली डिज़ाइन सोशल मीडिया ऐप। तो व्हाट्सएप के कितने यूज़र हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। अभी पीछे जब एक न्यूज़ थी कि व्हाट्सएप को सोशल मीडिया के साथ लिंक किया जा रहा है तो आधा पाकिस्तान जो है उसकी नींदें उड़ गई थी, यही बात है ना। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप कितना इंटरेक्टिव है और ये कितने यूज़र्स यूज़ कर रहा है, कितने पाकिस्तान की कितनी आवाम को ये टारगेट कर रहा है। अब इंटरेक्टिव डिज़ाइन जो है ये किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ऑल दो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए इंटरेक्टिव डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ इंटरेक्टिव डिज़ाइंस की जो फील्ड्स देख लेते हैं जहाँ पे इंटरेक्टिव डिज़ाइन जो है बहुत ज़रूरी होता है, लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, स्मार्ट वॉच, सेंसर्स, सेटेलाइट नेविगेशन, GPS, सोशल मीडियाज, इंटरेक्टिव बुक्स, गेम्स, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, रिजर्वेशन सिस्टम्स, कैलकुलेटिंग सिस्टम्स एंड डिजिटल थिंग्स। अब बात करते हैं नीड ऑफ इंटरेक्टिव डिज़ाइन। तो डेवलपर्स जो होते हैं वो बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कि हाउ टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हाउ टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर सिस्टम। सो नीड ऑफ इंटरेक्टिव डिज़ाइन तीन चीज़ों पर बेस करता है। फर्स्ट इज़ गोल्स, कंस्टेंट्स एंड ट्रेड ऑफ। तो गोल्स क्या होते हैं, गोल्स देखते हैं। What is the purpose of design? आपको प्रोडक्ट के डिज़ाइन का पर्पज़ पता होना चाहिए। जैसे अभी आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई पर्पज़ होगा, वाई यू डिज़ाइन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें फिर और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, लाइक हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस डिज़ाइन, वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम द डिज़ाइन, वाई डिज़ाइन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ वायरलेस पर्सनल मूवी प्लेयर जिसमें ना तो यूज़र ने वायर प्लग करनी है और ना ही नेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़र ने कोई वायर प्लग करनी है, ओके, बस सिंपली मूवी प्लेयर यूज़र के हाथ में है और वो ईज़िली क्या कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है। जैसे कि आजकल बहुत से स्मार्टफोन्स में आपने ये चीज़ देखी होगी, नेटफ्लिक्स ही देख लें। ठीक है, तो अब जब वायरलेस पर्सनल मूवी प्लेयर डिज़ाइन हो रहा था तो हम क्या देख रहे थे, जो बैक एंड पे डिज़ाइनर हैं, प्रोग्रामर हैं, ठीक है, हमारी जो टीम है वो क्या देख रही थी? एक तो ज़्यादातर इस ऐप के जो यूज़र होंगे वो यंग यूज़र होंगे, फिर अब ज़ाहिर है उन्हें लेटेस्ट मूवीज़ देखनी है तो उसके लिए उन्हें नेट कनेक्टिविटी चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी, है ना। फिर उन्हें ऐसे एक्सेसिस चाहिए जिससे वो फ्री कॉपीज़ को डाउनलोड कर लें। ठीक है, फिर उसकी स्क्रीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी की बात हो रही है कि वीडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे आप देखें तो जितने भी आपको मूवीज़ या सीरीज़ मिलती हैं, सीरियल्स वगैरह मिलते हैं, वो सारे आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलते हैं। ठीक है, तो फिर चीज़ देखने का अपना एक मज़ा बन जाता है, तो यूज़र जो है वो उस ऐप की तरफ ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईजीनेस ज़्यादा होती है ना। आप ऑफलाइन भी देखें आपको सेम क्वालिटी मिलेगी, ऑनलाइन देखें सेम क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे मैं YouTube और Netflix का कंपैरिजन करूँ तो Netflix पे आप जब वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर रहे होते हैं तो जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो 10 प्लस मतलब कि 10 सेकंड जो है आपकी वीडियो फॉरवर्ड जा रही है या 10 सेकंड आपकी वीडियो बैकवर्ड जा रही है। ठीक है,
जबकि YouTube में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। YouTube में क्या होता है कि आप मैन्युअली उसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और वीडियो को आप या तो फॉरवर्ड करते हैं या बैकवर्ड करते हैं, तो वो फिर या तो उसका ज़्यादा पोर्शन आगे चला जाता है या ज़्यादा पोर्शन बैकवर्ड हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि चीज़ देखने का मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जब आप वहाँ पर इरीटेट होना शुरू हो जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है वहाँ पर कम कर देता है किसी भी ऐप में, ठीक है। फिर माइक जो है, माइक का ऑप्शन जो है उसमें हेडफोन्स भी आपके ऐप में सपोर्टेड होने चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिक प्लेसेस पे भी उसे यूज़ करना है, सिर्फ आपने पर्सनली तो बैठ के यूज़ नहीं करना होता। तो ये भी होना चाहिए आपकी ऐप में कि आप जिस तरह व्हाट्सएप की मैं पीछे बात कर रहा था, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हैं, तो अगर हो सकता है तो आप इस तरह की फैसिलिटी भी अपनी ऐप में रखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जब पब्लिक प्लेस की बात हो रही है तो स्क्रीन जो है आपकी जो ऐप है उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जब आप पब्लिक प्लेस पे यूज़ करें तो उसे हर बंदा देख रहा हो, ठीक है। जो भी आप लोग, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी आपके साथ वाले पैसेंजर्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन की जो ऑप्शन है वो इस तरह होनी चाहिए कि आप उसको स्मॉल भी कर सकें। या ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी ऐप में इंटरेस्टेड है, आपके फ़ोन में इंटरेस्टेड है, ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादा एज वाला है और वो नेटफ्लिक्स वगैरह या यूट्यूब वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके जो स्क्रीन है वो उसको इरिटेट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ज़रा बड़ी एज वाला है और हो सकता है उसके उसको हेडेक है वहाँ पे बैठा हुआ, और आपकी स्क्रीन जो है वो उसे कंटिन्यूसली इरिटेट कर रही है, उसका हेडेक जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो इस तरह भी की भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपकी जो स्क्रीन है उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो छोटी भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब हम गोल्स सेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें सारी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मीन व्हाट मटेरियल गोइंग टू बी यूज्ड। मटेरियल्स मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज़ होंगे, प्रोसेसर्स कौन से यूज़ होंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हम कंस्ट्रेंट्स में देखते हैं, व्हाट स्टैंडर्ड्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट कैन बी द कॉस्ट, के हमारी जो भी सिस्टम है उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवेलपमेंट, हमें डिवेलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, इज़ देयर एनी सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज़, के इस ऐप के साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर हैं तो फिर सेफ्टीज़ क्या क्या होंगी उसके साथ, ठीक है। इज़ इट सपोर्ट ओल्ड वीडियो फाइल फॉर्मेट, के ये पुराने फाइल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, जैसे कि यूट्यूब में देखें कि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि ओल्ड फाइल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट कर रही होती हैं, और कुछ वीडियोस जो होती हैं वो सिर्फ एक ही फाइल फॉर्मेट पे स्टक हुई होती हैं कि बस इसी पे प्ले होगी, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे देख लें, वहाँ पे भी ओल्ड फाइल फॉर्मेट्स जो हैं, लाइक आपको 240 पिक्सल्स वहाँ पे नहीं मिलता, 360 पिक्सल्स वहाँ पे नहीं मिलता, 480 से अबव ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ओल्ड फाइल फॉर्मेट जो हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे होते। देन डू वी नीड टू बिल्ड इन कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अगर हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं तो क्या ये कॉपीराइटेड होगा, मीन ये ऑन कॉस्ट होगा या फ्री होगा या फिर ओपन वेयर होगा कि कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता है, या फिर प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं हमने बनाया तो सिर्फ हम ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ होता है बैलेंस बिटवीन गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, मीन प्रॉपर गोल्स एंड प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी फॉलो, ठीक है। डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द यूज़र, तो किसी भी प्रोडक्ट या फिर सिस्टम का डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी चाहिए, ओके ओके। नाउ मूव ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ डिज़ाइन। गोल्डन रूल्स ऑफ डिज़ाइन मस्ट इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंड मटेरियल। देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड अंडरस्टैंड पीपल। तो कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Understand people mean psychological and social aspects, human errors, work area, ठीक है। और understand computers में limitations, capacities, tools, platforms. Now the design process. ये जो process आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, it is called prototyping model. Software engineering में आपने prototyping model का concept पढ़ा होगा। अगर आप इस मॉडल को गौर से देखें
what is wanted, analysis, design, implement and deployment. तो ये क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ वाटरफॉल मॉडल. लेकिन इसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखें डिज़ाइन में क्या हो रहा है कि डिज़ाइन में प्रोटोटाइपिंग हो रही है. डिज़ाइन करने के बाद, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद उसका एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है. तो ये इस वजह से इसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहते हैं. अच्छा, जब आप प्रोटोटाइपिंग से सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रोटोटाइपिंग का मतलब यही होता है ना कि आप कोई एक डमी सी चीज़ बनाते हैं, जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हुई हैं उससे, उसके अगेंस्ट एक डमी प्रोडक्ट बना के, तो फिर बताते हैं डमी मॉडल बना के, तो फिर आप रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर रहे होते हैं कि आप यही चीज़ चाह रहे हैं जो आप, आपको आपने रिक्वायरमेंट्स में बताई हैं, ठीक है, मैं यही चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखें व्हाट इज़ देयर वर्सेस व्हाट इज़ वांटेड, तो प्रोटोटाइपिंग में ये वाला जो फंक्शन है ये यूज़ हो रहा होता है. जब आप यहाँ से सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रोटोटाइपिंग से, तो फिर आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. यहाँ पे फिर आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है. कंप्लीट डेवलपमेंट करने के बाद आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प के आपने अपने प्रोडक्ट का कोई भी मैनुअल बनाना है, ट्यूटोरियल बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, जिस तरह की भी चीज़ें बनानी होती हैं, फिर आप वो यहाँ पर बना देते हैं. अब स्टेप्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स व्हाट इज़ वांटेड, कि जब हम इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ वांटेड. और HCI में रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ हम ये चीज़ भी देख रहे होते हैं कि ये जो हमने सिस्टम बनाना है या जो प्रोडक्ट बनानी है ये किस कल्चर के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है. अब एनालिसिस क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की हैं, जो इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं, उन्हें ऑर्डर करके आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है. ऑर्डरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डिसाइड. देन इंट्रैक्शन एंड प्रोटोटाइपिंग ये है, गेटिंग इट राइट एंड फाइंडिंग इट व्हाट इज़ रियली नीड. कि आप एक छोटा सा डमी मॉडल बना लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को, जो आपने रिक्वायरमेंट्स ली हुई हैं उनको गैदर, जो आपने रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट आपने एक डमी मॉडल बना लिया और उसी को बार बार आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. जिस तरह आप देखें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो एक बिल्डिंग जो जब उन्हें बनानी होती है तो वो क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं, एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं वो मीटिंग्स में बताते हैं कि जी हमारा ये मॉडल है, ये मॉडल है, ठीक है. तो उसमें जो भी चेंजेस उन्हें करने होते हैं वो मीटिंग्स में अपने चेंजेस बता के, अपने मॉडल में चेंज करने के बाद फिर वो अपने जो भी स्पेसिफिक उनका एरिया होता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि जब आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है अब मेरी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई हैं, तो अब मेरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए. फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट, मीन मेकिंग इट एंड गेटिंग इट आउट देयर. बट हाउ आई कैन डू इट ऑल, तो लिमिटेड टाइम होता है, ये डिज़ाइन का ट्रेड ऑफ होता है. ऑब्वियसली हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो नहीं होता, तो सबसे पहले हमारा लिमिटेड टाइम का ट्रेड ऑफ आ जाता है. फिर यूज़ेबिलिटी आ जाती है, मेन फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड फिक्सिंग देम. अब जब सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती हैं तो आप देखते हैं कि ये ऑलरेडी भी कोई इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ उसे क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है. तो फिर आप देखते हैं कि उन्हें फिक्स कैसे करना है. फिर ये भी डिसाइड करना होता है कि क्या हमने सारी चीज़ें फ़िक्स करनी हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमने फ़िक्स करनी है, क्योंकि हम स्क्रैच से तो नहीं बना रहे हैं ना सिस्टम को, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम फ़िक्स करेंगे. तो उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम्स को उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फ़िक्स करते हैं. हम सारी ना तो प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं और ना ही सारी चीज़ों को फ़िक्स करते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर जो हमारे पास ट्रेड ऑफ आता है, दैट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम इज़ बैडली डिज़ाइंड, टू गुड टू मच एफर्ट इन डिज़ाइन, ठीक है. कि अगर हमारा सिस्टम बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, अगर हम कोई भी सिस्टम देखते हैं वो बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, इट मीन्स कि उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी हुई है. तो क्या इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी है कि नहीं, ठीक है. अगर डिज़ाइन टू गुड है तो एफर्ट तो लगी होगी, इंसान हैं, एफर्ट लगाएंगे उसके बाद ही हमें इतना अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है. कोई भी इतना
एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता कि 5-10 मिनट में कोई बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना ले, ठीक है, तो बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। ओके, अब इसे डिटेल में देखते हैं। नाउ योर यूज़र में क्या होगा कि आपने देखना होगा हु आर दे, मीन आपने देखना है कि यूज़र कौन है, ठीक है। देन आता है हु आर दे, ठीक है, प्रॉबली नॉट लाइक यू, वो आपकी तरह के नहीं होंगे, आप जैसी सोच नहीं रखते होंगे, आप जैसा इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। कहीं पे भी आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, घर में भी देख लें तो सिबलिंग्स के अक्सर जो इंटरेस्ट होते हैं मैच नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरह के ही हों, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि दे आर नॉट लाइक यू। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, टॉक टू देम, उनसे बात करनी होती है, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उनसे मीटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप इंसान के साथ मिलके उसे बातचीत करके भी उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, तो जब यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो तब आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन, हाँ, यूज़ योर इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड द यूज़र। आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सोना। पर्सोना मीन पर्सनैलिटी, अभी जो पीछे हमने बात की उसी की डिटेल है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एग्जांपल यूज़र, नॉट नेसेसरीली अ रियल पर्सन। अब यूज़र जो है वो हर दफ़ा रियल पर्सन भी नहीं हो सकता, मीन आप वेब ऐप बना रहे हैं तो अब आप सारे यूज़र से जाके तो बात नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर है वो नेट पे आपने डालनी है वेब ऐप तो दुनिया के यूज़र उसे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप हर एक यूज़र से जाके पर्सनली बातचीत तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी यूज़र बना लेते हैं। तो अब आप सोचेंगे व्हाट द बैटी थिंक, कि उसने क्या सोचना है जब वो इस ऐप को यूज़ करेगी, फिर इसमें डिटेल मैटर करती है। तो आपने जो इमेजिनरी अपना यूज़र बनाया हुआ है उसे आप क्या करते हैं कि जितना रियल बना सकते हैं उतना रियल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ आप अपनी डाल देते हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ जो आपने ऑब्जर्वेशन की होती हैं दूसरों की आप वो डाल देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एज़ मच रियल एज पॉसिबल उसे लेके आ रहे होते हैं, जितना रियल बना सकते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं, आप एक तरह से एक पर्सनैलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें पर्सोना की एग्जांपल, बेटी इज़ 37 ईयर ओल्ड, वो एक वेयर हाउस मैनेजर बन चुकी है और एक कंपनी के लिए वो 12 साल से काम कर रही है। वो यूनिवर्सिटी में तो नहीं गई लेकिन उसने बिजनेस में डिप्लोमा करने के लिए इवनिंग में स्टडी की है। अब क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं चाहती कि वो शाम के बाद या फिर लेट नाइट तक काम करे, तो उसने घर बैठ के एक इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर कोर्स स्टडी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसे प्रमोशन दिया गया, उसे मैनेजर बना दिया गया, तो वो ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकी। तो अब वेयर हाउस मैनेजर बनने के बाद ज़ाहिर है वो बिज़ी हो गई है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो इस कोर्स को कम्प्लीट कर सके। अब उसकी आईसाइट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन 3 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका राइट हैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता। अब क्योंकि वो मैनेजर बन चुकी है तो क्या वो क्या करती है कि जो वर्क है वो बाकी टीम मेंबर्स में भी डिवाइड कर देती है और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी सजेशंस लेती रहती है, उनकी भी जो राय है वो वर्क में इम्प्लीमेंट करती रहती है। अच्छा, तो अब 12 सालों में थर्ड टाइम एक और न्यू कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है और हो सकता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये मैनेजमेंट का सिस्टम हो। तो बेटी को ये लग रहा है कि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है अगर ये कंपनी में आ गया तो उसका तो काम ख़त्म हो गया, ठीक है, उसकी जॉब जो है वो ख़तरे में आ जाएगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो ये सारे वर्क तो ऑटोमेटिक करेगा, तो उसका क्या काम रहा, उसकी जॉब जो है वो ख़तरे में है इस सिस्टम की वजह से। तो उसकी ये कोशिश होगी कि ये जो सिस्टम है इस कंपनी में चले ही ना, ठीक है, इसे वो फेल करने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको बेटी के साथ मिलना है, इस पर्सनालिटी के जो यूज़र्स हैं उनके साथ आपको मिलके उन्हें ये चीज़ समझानी होती है कि भाई ये आपकी जॉब को ख़तरा नहीं दे रहा बल्कि ये आपकी असिस्टेंस के लिए है, ठीक है, कि आप मैनेजर हैं, मॉनिटरिंग का काम आप कर रहे हैं तो वो आपकी जगह, अब ज़ाहिर है मेरे सिस्टम में कैमरा है तो वो करेगा, ठीक है, कैमरा सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, लेकिन कैमरा तो देख रहा है, कैमरा आपको फीडबैक दे रहा है,
अब आपने देखा कि कैमरे ने क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, वहाँ पे अगर कोई इशू आ रहा है किसी भी एम्प्लॉय की वजह से, तो आप फिर उस एम्प्लॉय के साथ मिलके उसे पूछेंगे कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ देखी है मॉनिटरिंग में, ये चीज़ क्यों हुई है, मुझे इसकी रीज़न बताओ, फिर आप उसका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करेंगे। तो ये उसकी असिस्टेंस के लिए है, उसकी ईजीनेस के लिए है, ना कि उसकी जॉब को खतरा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के पर्सोना के बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको ये जहन में रखने होते हैं और इन्हें रिजॉल्व करना होता है। अब टॉक टू देम, ठीक है, पीछे भी हमने इसकी बात की है तो उसी की चीज़ की ये भी डिटेल है कि हर दफ़ा आपको दूसरे बंदे को जज करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी माइंड रीडिंग करें, क्योंकि हमारा तो ये ईमान है एज अ मुस्लिम कि दूसरे इंसान के ख्यालात, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये सिर्फ खुदा ही जान सकता है, कोई भी दूसरा इंसान जो है ये पूरी तरह ये चीज़ जज नहीं कर सकता। हाँ कोई एक दो बातें हम गैस कर लें वो अलग बात है, लेकिन हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, मैं कम्प्लीटली ये चीज़ समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप सीधे सीधे उससे पूछ लें, मीन आस्क देम, उससे बात करें, ठीक है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला मेथड आ जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। आप एक प्लान लेके जा रहे हैं कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछने, और आप उससे बातचीत करने लगे हैं और कंप्लीट उससे उसकी लाइफ कैसी है, उसकी जॉब कैसी है, हर बात का आप क्या कर रहे हैं इनपुट लेके आ रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आप कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्लान ना करें, आप इसी तरह जाके फ्री चैट करें उससे, आप इसका क्वेश्चन कुछ होंगे, आंसर को कहीं और से आके निकलेंगे, तो कोई ये नहीं होगा कि आपने बस ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर करना है, आप फ्री हैंड उससे क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी नोट कर लें आप, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है कि ब्रिंगिंग द पोटेंशियल यूज़र्स फुली इन टू द डिज़ाइन प्रोसेस। लाइक अब आप वेयर हाउस मैनेजर का सिस्टम बना रहे हैं तो वेयर हाउस मैनेजर को ही यूज़ कर लें कि यार तुम्हें क्या क्या असिस्टेंस चाहिए, कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो प्रॉपरली तुम्हें असिस्ट कर सके, तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड हमें बता दो। तो वो जितना भी डिज़ाइन प्रोसेस होगा ना, वो फिर उसकी ओनरशिप में आ जाता है, उस बंदे की ओनरशिप में आ जाएगा, उस पर्सोना की ओनरशिप में आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें, बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें तो वो आपको बताएंगे जी अच्छा हम तो इस तरह वर्क करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें हैं, हमारा इस तरह से वर्किंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप उनके एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपको उन लोगों ने ये बताया कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने ठीक ही बताया होगा, लेकिन हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है हमारे एंड पे, एम्प्लॉयज़ के एंड पे, वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में की बातों में। तो फिर आपको क्या होता है कि एक्चुअली वर्किंग इन्वायरमेंट भी नज़र आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर वर्क किस तरह से हो रहा है। लेकिन ये जो बातें हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आप एक अननोन पर्सन हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं, आपने उनसे बात स्टार्ट की और वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर्स बताना शुरू कर दें, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अननोन पर्सन से बिल्कुल भी वो ऐसी बातें शेयर नहीं करते, आपको एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करना होता है कि वो सारी ये बातें आप लोगों से शेयर करें। तो ये किस तरह होता है फिर, दिस विल एक्चुअली अलो यू टू विन देयर ट्रस्ट। ओके अच्छा अब कल्चरल प्रॉप्स क्या हैं, कि आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी होगी उस कल्चर के मुताबिक, समटाइम्स हार्ड, ठीक है। लाइक अब अगर आप ने कोई साइकेट्रिक पेशेंट देखना है, ठीक है, आप घर पे हैं तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप देखेंगे कि साइकेट्रिक पेशेंट को जब एपिसोड्स आते हैं, एपिसोड्स मीन जब उन्हें दौरे पड़ते हैं, ठीक है, तो स्टाफ किस तरह बिहेव करता है, किस तरह उन्हें कंट्रोल करता है, मेडिकेशन किस तरह देता है, तो ये सारी चीज़ें फिर आप जाके देख के ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। अब अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट से रिलेटेड है, तो फिर वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं यूज़ करते, आप क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, प्रॉप्स आर स्मॉल पैकेजेस दैट इंक्लूड्स मैप्स, कैमराज, फोटोज, डायरीज, स्टोरीज, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर बेसिक नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर। मीन आप फिज़िकल मोमेंट्स एंड ऑडियो वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही पैक में मिल जाएं, ठीक है।
कि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी भी पड़े, ठीक है, आप वहाँ पे ना जाएं, जाके खुद ऑब्जर्व ना कर सकें, डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही यूज़ करें, तो आपको ये चीज़ें जो हैं गैस करने में आसानी हो, ऑब्जर्व करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, कल्चरल प्रॉप्स जो होते हैं ये हमें इंटरव्यूज़ को शेप करने में बहुत हेल्प करते हैं। इससे हमें आइडियाज़ प्रॉम्प्ट हो जाते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू होगा तो ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फिर किसी भी कल्चर से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है, डिज़ाइनर को भी उसको समझने में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।